अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं जुलेखा अरफात, मैं अच्छी हूँ अल्लाह के करम से और आपकी दुआ है। अच्छा, मैं आज क्या बना रही हूँ? आज आप मुझे बोलने दो। आज बोलो। मम्मा बना रही है हक्का नूडल्स। एग्जैक्टली, जैसे अजहान ने कहा कि मैं हक्का नूडल्स बना रही हूँ और आपने ऊपर का जो क्या कहते हैं हेडिंग देख लिया होगा कि मैं हक्का नूडल्स बना रही हूँ, मतलब चाइनीज रेसिपीज बना रही हूँ। तो एक बना रही हूँ हक्का नूडल्स चिकन और एक है चिकन मंचूरियन। मैं उन दोनों को जैसे हम कॉम्बिनेशन में कैसे देते हैं हमें बाहर मिलते बाजार में एक प्लेट के अंदर, मैं वैसे सर्व करने वाली हूँ। जैसे आप ये कह सकते हैं कि वन पॉट क्या कहते हैं पॉट राइस कहते थे हम, अब इसे आप कह सकते हैं पॉट नूडल्स। तो चलिए मैं यहाँ सब्जियां काटती हूँ क्योंकि सब्जियां सबसे इम्पोर्टेंट, तो सब्जियां होती है। सब्जियां कट गई तो भाई आपका सारा मतलब बहुत ज्यादा पूरा काम हो गया आधे से ज्यादा। तो चलो मैं अभी सब्जियां काटती हूँ। अच्छा, मैं क्या कर रही हूँ, आधी जो भी तीन टाइप की मैंने शिमला मिर्च ली है और उन सबको ना एक एक ली है, आधी में डालूंगी चिकन चाउमीन में जो हक्का नूडल्स हम कहते हैं, और दूसरी आधी डालूंगी चिकन मंचूरियन ग्रेवी के अंदर। ठीक है ना? तो मैं ये पहले आधी सारी काट के रख देती हूँ। हाका नूडल्स के अंदर ना ऐसी लंबी लंबी डालते हैं ना तो थोड़ी अच्छी लगती है। और अब मैं प्याज को ऐसे इस तरीके से धो ली हूँ और दो दो टुकड़े करके इनके डाल दी हूँ। अच्छा, ये हाका नूडल्स की प्रिपरेशन हो गई है। बस यहाँ मैं अभी क्या कहते हैं गाजर काट के रख दूंगी, तो मैं किचन के अंदर ही कर लूंगी। अभी बाकी की सब्जियां काट लेती हूँ। चलिए, अच्छा मैंने लहसुन इसे इस तरीके से क्रश कर लिया है, दोनों में चाहिए होगा मुझे। इसमें सब्जियां थोड़ी ज्यादा होती है जैसे आप देख रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा अदरक का ले रही हूँ और इसे एकदम बारीक बारीक काट रही हूँ। तो चलिए, मेरा अदरक भी कट चुका है और मैं इसे अब ये दूसरी प्लेट तैयार कर रही हूँ, मंचाओ की। मंचूरियन मंचूरियन सॉरी मंचाओ की तो हो गई। मैं ज्यादा हरी मिर्चियां नहीं डाल रही हूँ, तो मैं सिर्फ एक हरी मिर्ची डाल रही हूँ। आप चाहें तो दो या तीन डाल सकते हैं या ज्यादा भी डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ। चलिए, ये भी हो गई। और अब मैं सोच रही हूँ ये जो सब्जियां हैं उसको मैं अभी शेप कौन सा दूँ, क्योंकि एक तो लंबे लंबे शेप हो गए, लॉन्ग थिन स्ट्रिप्स टाइप, तो ये शायद मैं बारीक काटूँ या मोटे मोटे काटूँ। लेट्स सी, या छोटे ऐसे काटती हूँ। लेट्स सी, ये ऐसे काटती हूँ सो दैट ग्रेवी में अच्छे लगेंगे। चलिए, तो ये भी हो चुका है, मैंने ज्यादा नहीं डाल रही हूँ क्योंकि पाव पाव किलो का ही बना रही हूँ, 1/4 kg का। अब मैं अंदर जा रही हूँ आगे का काम करने। स्प्रिंग ऑनियंस काटना भूल गई थी तो ये मैं यहाँ अभी काट रही हूँ। तो ये है 250 से 300 ग्राम तक की चिकन बोनलेस है और ये है थाई पोर्शन, इसके मैंने इस तरीके से मीडियम पीस किए हैं, आप देख सकते हैं। ये मंचूरियन के लिए चिकन है जैसे मैंने मोटे मोटे पीस किए हैं, और ये है चिकन 200 ग्राम है, इसके बारीक बारीक पीस किए हैं जो चिकन हाका नूडल्स में जाएंगे, वो मैंने साइड पर रख दिया। अभी मंचूरियन की चिकन है उसके अंदर डाल दीजिए नमक स्वाद अनुसार। इसमें डाल दीजिए 1/4 चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, 1/4 छोटा चाय का चम्मच सोया सॉस और 1/4 छोटा चाय का चम्मच विनेगर और आधा छोटा चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा छोटे चाय का चम्मच शेजवान चटनी। इसमें डाल दीजिए, अब एक अंडा मैं फोड़ तो रही हूँ लेकिन इसका जो सिर्फ व्हाइट है ना वो डाल रही हूँ क्योंकि 250 ग्राम चिकन है, अगर 500 ग्राम है तो पूरी डाल दीजिए और बाकी की सारी चीजें डबल कर दीजिएगा, ग्रेवी की भी सारे इंग्रेडिएंट्स डबल कर दीजिएगा लेकिन अंडा एक ही रखिएगा। अच्छा, अब मेरे पास तो मैं अभी हाका नूडल्स बना रही हूँ तो ये जो बचा हुआ अंडा है मैं उसमें डाल दूंगी, अगर आपके पास कोई चॉइस नहीं है तो आप फिर ये पूरा अंडा डाल दीजिए। अब इसके साथ साथ डाल दीजिए 2 से 3 टेबलस्पून जितने ये कॉर्नफ्लावर, और सारी चीजों को मिक्स कर साइड पर रख दीजिए ढाक कर, आप चाहें तो फ्रिज में भी रख सकते हैं।
तो चलिए ये मैं ढक कर फ्रिज में रख देती हूँ आधे एक घंटे के लिए मैरिनेट होने, तब तक मैं बना लेती हूँ चिकन हक्का नूडल्स, जी हाँ जिसे हम चिकन चाउमीन भी कहते हैं। तो चलिए वो बनाते हैं। अभी जो मैंने आधे अंडे की जो साइड पर रखा था, जर्दी कहते हैं उसे, येलो पार्ट जो रखा था, उसमें मैंने एक अंडा फोड़ के डाल दिया है, तो डेढ़ अंडा है तकरीबन। और इसमें नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार और थोड़ा सा चुटकी भर काली मिर्चों का पाउडर डाल के बहुत अच्छे से फेंट लीजिए इसे। अब एक कढ़ाई के अंदर 2-3 टेबल स्पून जितना असली घी डालिए या फिर तेल डालिए, मैं असली घी डाल रही हूँ। मीडियम आंच पर चूल्हा कर दिया है मैंने, और जब अच्छा गर्म हो गया तो यहाँ ये जो अंडे फेंट के रखे थे ये डाल दीजिए, और इसे कंटिन्यूस इस तरीके से मिक्स करते जाइए, तो क्या होगा, स्क्रैम्बल एग बन जाएगा। जब 1-2 मिनट पक जाए ये हमारा अंडा, तो इसे निकाल कर इसे साइड पर रख दीजिए। अब सेम कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा तेल डालिए। अब जब तेल गर्म हो जाता है तो 3 छोटे चाय के चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन डाल दीजिए, और इसे आधे से 1 मिनट तक के लिए मीडियम आंच पर फ्राई करें। जब 1 मिनट हो जाए तो यहाँ मैं चिकन बोनलेस ली हूँ, 200 ग्राम है, इसे मैंने छोटे छोटे पीस किए। आप चाहें तो लंबे लंबे स्ट्रिप्स भी कर सकते हैं या बड़े बड़े पीस भी रख सकते हैं, मैंने छोटे किए। थोड़ा सा नमक डाल दीजिए चिकन के भाग का, और इसे फ्राई करें मीडियम आंच पर। आपने तब तक फ्राई करना है जब तक चिकन गल नहीं जाती, तो आप 5-7 मिनट में तो इसे इस तरीके से बार बार चलाते रहेंगे तो ये तो चिकन 5-7 मिनट में हो जाएगी। जब तक चिकन हो रही है मैं आपको बता देती हूँ, मैंने कुछ सब्जियां काट ली है, यहाँ पीली हरी और लाल शिमला मिर्च है, वो सारी मैंने 1/4 लंबी लंबी करके काटी है। थोड़ी सी छोटी सी मैंने ये जो गाजर है उसे ऐसी लंबी लंबी काटी, आधी गाजर ही थी। और ये जो स्प्रिंग ऑनियंस की जो सफ़ेद प्याज है उसे मैंने ऐसा मोटा मोटा काट लिया, ये सारा साइड पे रख रही हूँ मैं। चलिए चिकन को 5-7 मिनट हो चुके हैं मीडियम आंच पर पकते हुए, और पानी पूरी तरीके से सूख चुका है, तेल अच्छे से छूट चुका है, और आप देख सकते हैं कि चिकन भी मैंने देख ली, चेक कर ली, हो चुकी है, गल गई है। तो अब मैं डाल देती हूँ सफ़ेद प्याज जो मैंने मोटी मोटी काट के रखी थी वो, और उसे मैं मीडियम आंच पर 5-10 सेकंड के लिए ही फ्राई कर रही हूँ। जब 10 सेकंड हो जाए तो बाकी की जो सब्जियां हैं वो भी सारी डाल दीजिए। हल्का सा मैं थोड़ा तेल ज़्यादा डाल रही हूँ, आपने नहीं डालना है तो वो ऑप्शनल था। ये सब्जियों को डालकर भी मिक्स कीजिए और तकरीबन 20 सेकंड तक ही फ्राई कीजिए, उससे ज़्यादा मत कीजिए क्योंकि कच्ची पक्की अच्छी लगती है ना हक्का नूडल्स के अंदर। जब 20 सेकेंड हो जाए तो यहाँ साइड पर नूडल्स पके हुए वो सारे डाल दीजिए, नमक भी डाल दीजिए स्वाद अनुसार, 1/4 छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर डाल दीजिए, साइड पर जो हमने रखा है अंडे स्क्रैम्बल करके वो डाल दीजिए, 2-3 छोटे चाय के चम्मच सोया सॉस डाल दीजिए, 1 छोटे चाय का चम्मच विनेगर डाल दीजिए, और थोड़ी सी स्प्रिंग ऑनियंस डालकर बहुत अच्छे से मिक्स कीजिए, टॉस कीजिए, समझिए ना 1-2 मिनट तक मीडियम आंच पर ही है अभी तक भी चूल्हा, अच्छे से बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए चख लीजिए, जब आपको लगे कि एकदम सारी चीज परफेक्ट है तो चूल्हा कर दीजिए बंद। अच्छा मैंने जो सोया सॉस है ना 2 छोटे चाय के चम्मच डाले, क्योंकि मेरा डार्क वाला है, आप चाहें तो 3 भी डाल सकते हैं, आप खटास भी और ज्यादा डाल सकते हैं विनेगर की। चलिए 2 मिनट हो चुकी है टॉस होके, मैं चूल्हा कर देती हूँ बंद, और गर्मा गर्म मेरे हक्का नूडल्स कहिए या चिकन चाउमीन कहिए रेडी हो गए हैं सर्व करने के लिए। ये देखिए कैसे बढ़िया से एकदम खुले खुले से बने हैं, और सब्जियां क्या खूबसूरत लग रही है, एकदम ओवर कुक्ड भी नहीं है और अंडर कुक्ड भी नहीं है। और चलिए तो मेरा जैसे आपने देखा चिकन हक्का नूडल्स हो चुका है बढ़िया सा, और उसने में ही अजान को भूख लग गई है, तो मैं अब उसे थोड़ा सा निकाल के दे देती हूँ क्योंकि उसका फेवरेट है, मैं स्पाइसी वाला नहीं बनाती हूँ तो उसे बहुत पसंद है ये। चलिए ये जा रहा है अजान को, और बढ़िया सी लग रही है ना। अब मैं जो चिकन है उसे फ्राई कर लेती हूँ क्विकली। चलिए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है, यहाँ मैंने कढ़ाई रख दी है फास्ट आंच पर, जब अच्छा गर्म हो गया तेल तो मैंने मीडियम आंच कर दिया, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल कर एक एक करके ड्रॉप करते जाएं चिकन को वेल कोट करके मसाले के अंदर, और ज़्यादा चिकन एक साथ ना डालें, कुछ ही डालें और उसे फ्राई करें। आपने तब तक फ्राई करना है मीडियम आंच पर जब तक ये गोल्डन ब्राउन लाइट नहीं हो जाते और क्रिस्पी नहीं हो जाते और पक नहीं जाते, तकरीबन समझिए ना 5-6 मिनट के दरमियान में तो ये पक जाएंगे। बार बार चलाते रहिएगा।
लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुकी है और 5 से 6 मिनट भी हो चुकी है, गल चुकी है इसका मतलब, तो मैं इन्हें निकाल कर नितार कर टिश्यू पेपर के ऊपर साइड पर रख देती हूँ। इसी तरीके से बैचेस में फ्राई कर लीजिए मीडियम आंच पर। जब सारे 5-6 मिनट हो जाए उलट पलट करते हुए, तो इन्हें निकाल कर साइड पर रख दीजिए। चलिए ये देखिए सारे मैंने बना लिए हैं माशाल्लाह, सारी 250 ग्राम चिकन की बन चुकी है हमारी पकौड़े जो चिकन के हैं वो। तो चलिए मैंने नमाज पढ़ ली है और ये जो ग्रेवी ना मैं हमेशा नमाज के बाद ही बनाती हूँ, जिस टाइम पे सर्व करना होता है ना उसी टाइम पे बनाती हूँ। तो अभी मैं सर्विंग करने वाली हूँ, तो उससे पहले क्विकली ये तो 2 मिनट में बन जाएगी, 2-5 मिनट में। सो चलिए क्विकली ग्रेवी की ओर चलते हैं। चिकन मंचूरियन, एक कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा तेल डालिए, तेल जो हमने जिसमें फ्राई किया था ना चिकन को वही डालिएगा। अब उसमें डाल दीजिए 1 टेबल स्पून भरकर बारीक कटा हुआ लहसुन और इसे हल्का सा आधा मिनट तक फ्राई कीजिए। आधे मिनट के बाद 1 छोटा चाय का चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक डाल दीजिए, उसे भी फ्राई कीजिए। चूल्हा मीडियम पर ही है हाँ। अब जब टोटल 1 मिनट हो जाता है तो अब डाल दीजिए 1 छोटी चुंदा प्याज, अगर आपकी बड़ी हो तो आधी डालिएगा। वैसे मैं नॉर्मल प्याज नहीं डाल रही हूँ, जो स्प्रिंग ऑनियंस की ऊपर की प्याज थी वो कम ही थी मेरी, तो वैसे तो मैंने उसी को बारीक काट कर डाल दिया है। अब उसे भी मीडियम आंच पर फ्राई करें, तब तक फ्राई करें जब तक हल्का सा कलर चेंज होना शुरू ना हो तब तक। इसी के दरमियान 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चियां डाल दें, कम या ज्यादा अपने स्वाद अनुसार आप कर सकते हैं। चलिए ये देखिए प्याज हल्की सी कलर चेंज होना शुरू ही हुई है, तो अब डाल दीजिए शिमला मिर्च 3 टाइप की। वैसे आपको पता है मैंने आधी आधी ली है तीनों भी, आप चाहें तो एक ही कलर की ले सकते हैं हरी वाली, पर मैं तीनों डाल रही हूँ और मैंने ये शेप में काटा है, क्यूब शेप में। आप चाहें तो स्ट्रिप्स में भी काट सकते हैं या और बारीक भी काट सकते हैं। मिक्स कर लीजिए। अब इसमें डाल दीजिए थोड़ी सी कोथमीर और बारीक कटी हुई, और इसमें डाल दीजिए 2 छोटी चाय के चम्मच शेजवान चटनी, 2 छोटी चाय के चम्मच सोया सॉस और 1 छोटा चाय का चम्मच विनेगर। ये तीनों चीजों को डालकर इसे मिक्स कीजिए और तकरीबन आधा मिनट फ्राई कीजिए। जब आधा मिनट हो जाता है, मुझे कच्ची पक्की रखनी है इसके लिए आधा मिनट बोल रही हूँ, आपको ज्यादा थोड़ी सी गली हुई चाहिए सब्जियां तो 1 मिनट फ्राई कीजिए। अब मेरी जब आधा मिनट हो जाता है तो मैं 1 कप पानी भरकर इसमें डाल देती हूँ, और इसमें चूल्हा अभी भी मीडियम पर ही है जैसे आपको मैंने बताया है स्टार्ट में। मुझे ग्रेवी कम लग रही है तो मैं 1/4 कप पानी का और डाल रही हूँ, तो 1/4 कप पानी मैंने डाला। अब 1/4 या उससे भी कम आप काली मिर्चों का पाउडर डालिएगा, चाहे तो चुटकी भी डाल सकते हैं, और नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार। मैं 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ, 1/2 छोटा चाय का चम्मच शक्कर डालिएगा थोड़ा बैलेंस करने के लिए टेस्ट को। अब इसमें एक उबाल आ जाने दीजिए, चूल्हा मीडियम पर ही है। थोड़ी सी बारीक कटी हुई स्प्रिंग ऑनियंस डाल दीजिए और थोड़ी सी कोथमीर भी डाल दीजिए, क्योंकि कोथमीर का फ्लेवर भी बड़ा मजा आता है इसके अंदर। साइड बाय साइड कॉर्नफ्लावर की स्लोरी बना लीजिए, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर को 1/4 कप पानी में डालकर घोल बना लीजिए। जब एक उबाल आ जाता है तो ये जो स्लोरी है कॉर्नफ्लावर की ये डाल दीजिए, मीडियम आंच पर इसे पकाएं, मिक्स भी करते जाएं, और आप देखिए हल्का सा थिक होने लगा है। अच्छा, मुझे हल्का अभी भी थोड़ी थिक लग रही है ग्रेवी, तो मैं 1/4 कप पानी फिर से डाल रही हूँ, तो टोटल आप समझ गए मैं पानी 1.5 कप डाली हूँ। अब इसे थोड़ा सा पकने दीजिए तकरीबन 8-10 सेकेंड के लिए, या देखें आप ये देखिए थोड़ा सा बबल आना शुरू हुआ है, टेस्ट कर लीजिए। मुझे ना हल्का सा नमक कम लग रहा है तो मैं नमक थोड़ा डाल रही हूँ, और बैलेंस कम लग रहा है तो तकरीबन मैं 1/2 छोटे चाय का चम्मच शक्कर डाल रही हूँ, और यहाँ पर मुझे हल्का सा स्पाइस भी कम लग रहा है तो 2 छोटे चाय के चम्मच शेजवान चटनी में और डाल रही हूँ। अब आप आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कीजिए। अब साइड पर जो हमारी चिकन रखी है उसे डालिए, उसे डालकर मिक्स कीजिए ये ग्रेवी को, और इसे आधे मिनट तक पकाएं। अभी आप देख सकते हैं वैसे अच्छी खासी थिक हो चुकी है। आधे मिनट के पकाने के बाद, आधे 1 मिनट के बाद इसे बंद कर दें चूल्हे को। तो ये बन गई हमारी बढ़िया सी चिकन मंचूरियन। थोड़ी सी बारीक कटी हुई स्प्रिंग ऑनियंस की पत्ती डालिए और थोड़ा सा कोथमीर भी डाल दीजिएगा। चलिए अब सर्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक साइड पे चिकन चाउमीन डाल रही हूँ और एक साइड पे मैं चिकन मंचूरियन ग्रेवी डालूंगी। अच्छा, आप चाहें तो आधा, एक प्लेट में अगर आप डाल रहे हैं तो आधा मंचूरियन डालें और आधा ग्रेवी डालें। अच्छा, आप चाहें तो एज अ पॉट नूडल्स भी सर्व कर सकते हैं। बीच में एक पॉट के अंदर नूडल्स डाल दीजिए और साइड पर ये ग्रेवी डाल दीजिए। अब इसमें खूब सारी बारीक कटी हुई स्प्रिंग ऑनियंस डाल दीजिए इस तरीके से बढ़िया से, और इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए। है ना मज़ेदार दिखने में, और ट्रस्ट मी टेस्ट में भी बहुत ही मज़ेदार था और बहुत डिलिशियस है।
स्पाइस अपने हिसाब से दोनों रेसिपीज में एडजस्ट कीजिएगा, और जो ग्रेवी है उसमें मैंने तो दो बारीक कटी हुई हरी मिर्चियां डाली है, लेकिन शेजवान चटनी ज्यादा डाला है। अगर आप हरी मिर्चियां बारीक कटी हुई ज्यादा डाल रहे हैं तो शेजवान चटनी कम डालिएगा। और हाँ, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ लाइक में कंजूसी मत कीजिए, और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।